नमस्कार, मैं कुसुम राजावत अष्ट बंधनम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने घर आई हुई हूँ और यहाँ पर मेरे भाभी साहब जो कि स्पेशल शक्कर और सौंफ से बना हुआ स्पेशल पराठा बना करके आपको रेसिपी शेयर करने वाले हैं, तो चलिए हम बनाने के लिए तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है आटा, सिंपल रोटी बनाने वाला आटा है जिसको हमने छान लिया है। एक कटोरी आटा है, थोड़ी सी सौंफ, शुगर और मेल्ट घी, ये हमने आटा गूंद करके रख लिया। 5 मिनट रेस्ट करने के बाद में अब ये आटा प्रिपेयर्ड है, इससे हम पराठे बनवाएंगे। लोई तैयार हो गई है, रोटी को एकदम गोल बेल लिया है। रोटी के ऊपर हमने शक्कर को फैला फैला के डाल लिया है। इस तरह से इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और अब हम इसमें सौंफ डालेंगे, मेल्ट घी लगाएंगे अब हम इस पर। एक साइड फोल्ड करने के बाद में दूसरा साइड फोल्ड करेंगे। अब इसको प्रेस कर रहे हैं, अब इसके बाद में इसका एक साइड और फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से हमने इसको एकदम अच्छे से स्क्वायर कर लिया है और अब हम इसको बेलेंगे। इस तरह से इसको स्क्वायर शेप में हमने बेल करके तैयार कर लिया। अब हम इसको सेकेंगे। धीमी आंच पर हम इसको सेकेंगे। थोड़े थोड़ी से फूल रही है, हल्का सा ब्राउन होने पर हम इसको चेंज करेंगे। अब हम इस पर थोड़ा थोड़ा घी स्प्रेड करेंगे। घी को प्रॉपरली स्प्रेड कर दिया है, अच्छे से फैला करके घी लगा दिया है। अब इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे थोड़ी देर में सिकने पर। दूसरी साइड और घी वापस से स्प्रेड करेंगे अच्छे से लगा करके। अब देखिए गोल्डन ब्राउन होने लग गया है ये पराठा। अब हम इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे। अब इस पराठे को हमने टर्न कर दिया है, एक फोल्ड और कर दिया है और इसको धीमी आंच पर धीरे धीरे सेकेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट पराठा तैयार हुआ है। दूसरी रोटी को बेल करके हमने गोल कर लिया। अब हम इस पे चीनी स्प्रेड करेंगे। प्रॉपरली चीनी स्प्रेड कर दी गई है। अब इसमें सौंफ मिक्स करेंगे। घी मेल्ट करके उसको स्प्रेड करेंगे, इस पर थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे। हाँ, अब इस रोटी को टर्न करेंगे। इस तरह से इसमें एक फोल्ड देंगे, दूसरी साइड दूसरा फोल्ड देंगे और अब हम इसका पॉकेट पैक करके, ये देखिए पराठे के एकदम पॉकेट पैक हो गया है। अब हम इसको स्क्वायर शेप में बेल देंगे। पराठा फूलने लग गया है और बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है सौंफ की। इसे देख के मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है और अब हम इसको बहुत ही जल्दी टेस्ट करने वाले हैं। देखिए पराठा फूल रहा है, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको सेकेंगे।
देखिए पराठा गोल्डन कलर का सिक चुका है, बहुत ही स्मार्ट टेक्सचर आया है। चीनी जो है वो चाशनी के रूप में पराठे के बीच बीच में से दिख रही है। आपको एहसास होगा कितना पतला पराठा बना हुआ है। देखिए पराठे की शानदार फोल्डिंग आ गई है, डोसा से भी टेस्टी होता है, किसी मिठाई से कम नहीं है। और अब मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैं इसको तुरंत खाने वाली हूँ। दिस वीडियो इज क्रिएटेड बाय प्रियंका शेखावत। लीजिए तैयार है शानदार सौंफ और शक्कर से बने हुए बहुत ही डिलीशियस टेस्टी पराठे। एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। पुनर्दर्शनाय जय महाकाली।